ओके जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम बैक प्यारे बच्चों। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मेरे बच्चों, बात कुछ यूं है बात कुछ यूं है कि भाई मैं डिस्कस कर रहा था आयशा से। जी आयशा, अनम्यूट करें। हाँ यस सर। देखिए, आप कह रही हैं एक्सपेंस कैसे हुआ। आखिरी जुमला मैं अदा कर रहा था, मीटिंग खत्म हो गई। मैं कह रहा था आपके पास जितने पैसे आपकी किताब में लिखे थे उतने रुपए आपके पास हकीकत में होने चाहिए, लेकिन आपने जब हकीकत में नोट गिने तो पैसे ज्यादा थे, कम थे। तो क्या कैसे एहसासात होंगे? जश्न रखेंगे, शाम को पार्टी रखें आज? क्या नो सर, क्या मनाएंगे मेरा बेटा? गम गम कहेंगे, क्या हो गया, खर्चा नहीं नहीं खर्चा हुआ ना, और क्या। ये थोड़ी बोलेंगे हमारे पास एसेट आ गया, हमारे पास बिल्डिंग आ गई, फर्नीचर आ गया। हम बोलेंगे यकीनन कोई अदायगी की होगी, या पता नहीं किस बात की अदायगी की थी, ऐसी अदायगी जिसका नाम भी पता अब तो नहीं था। तो अब ऐसे खर्चे को क्या बोलूं, सैलरीज एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, ऐसे खर्चे का नाम तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। तो इसलिए ऐसे खर्चे को कहते हैं पहले तो क्या, मिसलेनियस एक्सपेंस। और खर्चा बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। अब समझ आ रहा है बढ़ेगा कैसे? जी अभी सर, कंफ्यूज हो, क्योंकि देखो जैसे सर समझ आ गया। जैसे जैसे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे पास जितने पैसे होने चाहिए थे उतने नहीं है, उसका मतलब है तुम कहीं पैसे क्या कर चुकी हो, खर्च, तो खर्चे में यकीनन होगा इजाफा। यस, ये वजह है। अब एक सवाल का जवाब अगर तुम देना चाहो तो तुम अनम्यूट करके दे देना, अभी माइक अगर खुला रख सकती हो तो रख लो, वरना मैं सवाल किसी और से करता हूँ, क्योंकि तुमसे इतनी बात हो चुकी है कि मुझे लगता है तुम जवाब दे दोगी, लेकिन इसलिए मैं चाह नहीं रहा कि मैं तुमसे बोलूँ। इफ्रा फसी, अनम्यूट करें मेरा बेटा, और सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, और आप अगर जवाब देंगी तो अच्छी बात, नहीं देंगी तो कोई बात नहीं, हम किसी और से पूछ लेंगे, बट परेशान होने की बात नहीं है। सही है, जहानत चेक, जहानत का चेक हो रहा है ये कि कौन कितना जहीन है और कितना दिमाग चला रहा है हमारे साथ ऑनलाइन। मेरा बेटा, जैसे कि हमने अंग्रेजी का ये जुमला पढ़ा, आपके सामने जुमला ले आता हूँ। क्या लिखा हुआ था? कैश वॉज फाउंड, जी श्योर। और अगर यहाँ लिखा होता कैश वॉज फाउंड ओवर, श्योर पैटर्न, हाँ रिपीट। अगर कैश वॉज फाउंड क्या लिखा होता मैंने बोला? श्योर नहीं, तो लिखा हुआ है, मैं कह रहा हूँ कैश वॉज फाउंड ओवर, ओवर। हाँ, तो फिर इसका मतलब क्या होता कि जितना कैश हमारे पास किताब में लिखा हुआ है, किताब से मुराद आप समझ रही है ना, जहाँ हम रिकॉर्ड्स मेंटेन, इसमें जितना कैश लिखा हुआ है, जब हमने उसको एक्चुअल फिजिकल कैश से काउंट किया तो हमारी किताब में लिखा हुआ है कम, और हकीकत में फिजिकल कैश है तो ज्यादा, तो हम उसको अंग्रेजी में क्या बोल रहे हैं, कैश वॉज फाउंड ओवर बाय रुपीज 10। इसका मतलब है हमें कैश ज्यादा नजर आ रहा है, तो खुद ब खुद ज्यादा हो गया होगा। और नहीं सर, हमने हमने उसके हमने गलत लिखा हुआ होगा बुक में। हाँ देखो, तुम्हारा वो मेरा ख्याल है तुम्हारे घर में परिंदे भी पढ़ रहे हैं, उन्हें भी समझ आ रहा है। अच्छा बहरहाल, ये तो मजाक की बात थी मेरा बेटा। देखो मेरा बच्चा, कि जब हमने 10 रुपए हमारे पास हकीकत में ज्यादा है, तो इसका मतलब है कोई इनकम हमने रिसीव की होगी, किसी से पैसे लिए होंगे। अच्छा ये भी हो सकता है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो सर, हो सकता है हमने किसी से 10 रुपए ज्यादा ले लिए हो, कोई हमें 10 रुपए ज्यादा दे के चला गया हो, हमने लिए 150 रुपए हो और हमने लिखे 140 हो, ये भी हो सकता है। कोई हमें 10 रुपए छोड़ के चला गया हो कि रखो खुले नहीं है तो रख लो वापस। तो बेटा ये 10 रुपए आने की कोई खास वजह हमें पता नहीं है, तो फिर इसका नाम क्या रखते हैं, पहले तो ये डिसाइड करो इसका नाम क्या होना चाहिए। मिसलेनियस एक्सपेंस, नहीं अब एक्सपेंस नहीं ना मेरा बेटा, मिसलेनियस का वर्ड तो तुमने सही यूज किया, लेकिन सोचो, दिमाग चलाओ, अकल इस्तेमाल करो, क्या ये इनकम? हाँ एक्सीलेंट मेरा बेटा, इसका नाम होगा मिसलेनियस इनकम, ऐसी इनकम जो हमें पता नहीं है लेकिन हम ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द मंथ रिसीव कर चुके हैं। अब कहां किससे 10 रुपए ज्यादा लिया हमें नहीं पता, तो हम उसे बोलेंगे मिसलेनियस इनकम।
ईमानदारी से बताओ समझ आया? यस सर। एंट्री बताओ फिर क्या बननी चाहिए, अगर कैश वॉश फाउंड ओवर लिखा होता तो क्या एंट्री बनाना? फ्रॉसी एंट्री बतानी थी मेरा बेटा। इफ्रा फसी हमारे साथ हैं बेटा, एंट्री नहीं बताई आपने मेरा बच्चा। अच्छा लिख के भेज दियो मैंने। अच्छा ओके, माइक अनम्यूट नहीं हो रहा। इफ्रा फसी कर लें आप माइक अनम्यूट। बोलिए एंट्री क्या है? इसमें कैश डेबिट होगा और मिसलेनियस इनकम क्रेडिट होगी। वेरी गुड, जजाकल्ला, खुश रहिए मेरा बेटा, शुक्रिया बहुत बहुत। बाकी बच्चों ने भी मुझे लिख के भेजा, बहुत बहुत शुक्रिया। कैश डेबिट और मिसलेनियस इनकम क्रेडिट। बताइए हम ना आपको कुछ बेहतर महसूस हो रहा है, समझ आया मेरा बेटा थोड़ा बहुत? एक तो आप इतने गैप के बाद आपने ज्वाइन किया है, और फिर हम इस वक्त एंट्रीज में आप देखें कौन सी एंट्रीज डिस्कस कर रहे हैं। आपको पता है हम ना कितने सवाल अटैम्प कर चुके हैं, कुछ आइडिया है? यहाँ से देखें हम यहाँ तक सवाल अटैम्प कर चुके हैं, इस बार हम क्वेश्चन 6 अटेम्प्ट कर रहे हैं मेरा बेटा। एक से दो सवाल के बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। एक आपसे मुखातिब हूं हम ना, और एक मुखातिब हूं मैं अपने मोहतरम। इफ्रा बेटा माइक म्यूट कर लो मेरा बच्चा, जजाकल्ला, खुश रहो मेरा बेटा। और दूसरा मैं मुखातिब हूं हमारे प्यारे भाई कौन थे आज जिन्होंने ज्वाइन किया, असफर शाह साहब। एक मैं आपसे मुखातिब हूं असफर भाई, और दूसरा मेरा बेटा मैं मुखातिब हूं हमना से। मेरे बच्चों आप खुद बताओ, दो सवाल तीन सवाल रह गए, टॉपिक खत्म होने वाला है, आप कैसे कवर करोगे इतने सारे दिनों का काम? अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमाए, दुआएं तो हैं लेकिन दवाई खा लीजिएगा वक्त पे। अगर दवाई नहीं खाई तो दुआओं से कुछ नहीं होने वाला, फिर बहुत चांसेस कम हो जाएंगे। अच्छा जी, हमारे अली भाई कहते हैं सर इसकी नरेशन बता दे, काफी मुश्किल सा पॉइंट लग रहा है, नरेशन में क्यों फंस गए हमारे अली भाई? कैश वॉश फाउंड शॉर्ट, इसकी नरेशन लिखेंगे टू रिकॉर्ड कैश फाउंड शॉर्ट बस, और जब ये होगा कैश ओवर तो लिखेंगे टू रिकॉर्ड कैश फाउंड ओवर, सही है? अच्छा जी, ऐसा ना हो कि मिक्सअप हो गया, बच्चे परेशान हो रहे हो, तो इसलिए बेहतर होगा कि मैं बता दूं इस पॉइंट की एंट्री बननी है मिसलेनियस एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, सही है? जबकि अगर ये कैश फाउंड ओवर होता तो इसकी एंट्री बनती कैश डेबिट और मिसलेनियस इनकम क्रेडिट। अच्छा जी, आप इसके बाद और होमवर्क क्या था मुझे ये बताओ जल्दी से, शाबाश। क्वेश्चन 11 होमवर्क था, बस एक सवाल या और भी था होमवर्क? और भी था अली भाई होमवर्क, बस यही था? ओके, क्वेश्चन 11 में जहां तक जहाज उड़ सकता है उड़ा देता हूं, सही है? और जहां जहाज स्लो हो गया तो हो गया, अल्लाह मालिक है। आप सबने मेरे मुताबिक सबसे पहले लाइन में लिखा है फाइन ट्रेडर, सेकेंड लाइन में लिखा है जनरल जर्नल, यानी बिल्कुल इस तरह का एक फॉर्मेट बनाया है, लेकिन डैश डैश फॉर्म नहीं लिखा। सर क्यों? आज बिजनेस का नाम दिया हुआ है फाइन ट्रेडर्स। सेकंड लाइन में जर्नल जर्नल डेट पर्टिकुलर पोस्टिंग रेफरेंस डेबिट क्रेडिट के कॉलम, क्या आज ईयर लिखा हुआ है सवाल में कहीं? नहीं सर, ईयर नहीं है लिखा हुआ है, रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शन इन अ टू कॉलम जर्नल जर्नल। पता है ना टू कॉलम कौन से हैं? ये वाले। तो क्या पेपर में बस ये दो बना क्या हो गए? नहीं, पूरा फॉर्मेट बनाएंगे, लेकिन जर्नल जर्नल को कितने कॉलम जर्नल कहते हैं बेटा? जर्नल जर्नल को टू कॉलम जर्नल भी कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा आइए आप पॉइंट पढ़ता हूँ, क्या पॉइंट है? कहता है कैश सेल, नहीं ये तो मैं क्वेश्चन 11 पे आ गया वापस। हाँ क्वेश्चन 11 ही तो पढ़ना है। कैश सेल्स 12,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, 12,000 रुपए का सामान मर्चेंडाइज बेची, किस पर बेची बच्चों? किस पर? जवाब ही नहीं आया आपका अभी तक। कैश पर, लेकिन कहीं नहीं लिखा हुआ कि ऑफ विच, क्योंकि उसमें से 12,000 में से कुछ पैसे जमा नहीं करवाए, बल्कि सारे के सारे कहां जमा करवा दिए? कैश सेल की जो पैसे आए सारे के सारे कहां जमा करवाए? तो इसका मतलब है कैश तो आज बढ़ा, इसका मतलब है कैश तो आज बढ़ा नहीं है। फिर क्या बढ़ा डायरेक्ट? बैंक। तो आपने लिखा बैंक डेबिट 12,000, और बैंक बढ़ने की वजह क्या है? सेल्स, सेल्स क्रेडिट 12,000। एतराज, आगे बढ़ जाऊं?
आगे बढ़ जाऊं प्यारे बच्चों, शुक्रिया। रिसीव अ चेक इन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, हमने एक चेक रिसीव किया अकाउंट रिसीवेबल इजी को से, ड्यू जो ड्यू था लेना लेस 2% डिस्काउंट, 2% डिस्काउंट के बाद उन्होंने हमें चेक दिया ऑफ एन इनवॉइस ऑफ रुपीज 2000। सोच समझ के जवाब देना, क्या 2000 रुपए का चेक लिया? बोलो क्या 2000 रुपए का चेक लिया? क्या 2000 रुपए का चेक लिया बच्चों? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़े लिखे लोग हैं, बोलते हैं नहीं सर। कैसे पता चलता है कि चेक कितने का लिया? अगर लिखा होता रिसीव अ चेक ऑफ रुपीज 2000 तो कहता चेक 2000 का लिया, लेकिन यहाँ लिखा है इनवॉइस ऑफ रुपीज 2000, इसका मतलब है हमने जब इजी को सामान बेचा होगा तो हमने 2000 रुपए का बिल बना के उन्हें दिया होगा, तो हमने उनसे लेने भी हैं 2000, लेकिन उन्होंने हमें 2000 में से 2% डिस्काउंट के बाद चेक बना के भेज दिया। पहली बात तो ये कि चेक को हमने क्या समझा, आपने जवाब दिया सर हमने चेक को समझा, कैश, और कितना 2000 का 2% आजकल आ रहा है 40 रुपए। चेक कर लीजिएगा 2000 का 2%, किसी को निकालना नहीं आता तो उनकी खिदमत में एक दफा दोबारा बोल देता हूँ, 2000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 100, 40 रुपए आ रहा है बेटा आजकल। 2000 में से 40 रुपए माइनस कर दो। सर ये 40 रुपए क्या है भाई? डिस्काउंट दिया है हमने उन्हें। सर ये क्या लिखा है हमने डिस्काउंट दिया? अबे भाई चेक ले रहे हो तो डिस्काउंट भी लोगे क्या? चेक लेते हो तो डिस्काउंट देते हो, चेक देते हो तो डिस्काउंट लेते हो। तो आज हमने चेक लिया और 2% 40 रुपए डिस्काउंट दिया, इसका मतलब है चेक मिला 1960 रुपए का। अब एंट्री समाप्त फरमाए, आपने एंट्री बनाई कैश डेबिट 1960, सेल डिस्काउंट डेबिट 40 रुपए, और अकाउंट रिसीवेबल इजी को, क्रेडिट 2000 रुपए। जनवरी 2 की एंट्री कंप्लीट, जनवरी 4 सुना रहा हूं आपको। डिपॉजिटेड द इजी को चेक इनटू बैंक, वो जो 2 तारीख को चेक लिया था इजी को से, अब उसे कहां जमा करवाया? बैंक में। कितने का चेक था? 1960 का। बोलिए हमना, लिख के भेजिए जवाब। असफर भाई आप लिख के भेजिए, बैंक बढ़ेगा काम होगा। हमना लिख के भेजिए, बैंक बढ़ेगा काम होगा। जल्दी शेयर करें, इतनी देर नहीं लगाएं, मेरी क्लास का टाइम खत्म हो चुका है। ये हमना को आवाज आ रही है मेरी? अगर आ रही है तो आपका नाम लेके बोल रहा हूं, मैसेज करें, लेकिन आप मैसेज नहीं कर रहे। जब पूछा था समझ में नहीं आया तो आपने लिख के भेजा समझ में नहीं आया, तो क्या मैसेज करना नहीं आ रहा? भूल गए मैसेज करना, कैसे होता है? पार्टिसिपेट तो करता है ना इंसान क्लास में, कोशिश करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा, चले आपकी मर्जी। बहुत शुक्रिया प्यारे बच्चों आप सबका, आप सबने मुझे एंट्री पूरी लिख के भेज दी। बोला सर बैंक बढ़ गया क्योंकि हम चेक जमा करवा रहे हैं, उस चेक को हमने चेक नहीं लिखा था, किस नाम से लिखा था? मेरा बेटा, कैश के नाम से। तो एंट्री बनाई सब बच्चों ने, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर बोल रहा हूँ, एंट्री बनाई बैंक डेबिट कैश क्रेडिट 1960 रुपए से। मुझे पूरी उम्मीद और भरोसा है कि 5 तारीख और 12, 15, 20, 25, 31 आप जरूर अटेम्प्ट कर लेंगे। अगर नहीं किया हुआ, मुझे हेल्प अगर करनी पड़ी आपकी, तो कल मैं 7, 8 इन पे कुछ हेल्प कर दूंगा। आज मुझे एक काम और करवाना था, लेकिन बहरहाल अब वक्त नहीं है। आपसे उम्मीद और भरोसा करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को कम्प्लीट कर लें, और क्वेश्चन 26 बस ये आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन ही खत्म हो रहे हैं। नहीं जी, मुबारक को बहुत बहुत, बस कल और फिर अगले वीक की 1 से 2 क्लासेस में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो चुका है, कल इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात हो रही है। होमवर्क फिलहाल कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन 6 जो है वो आपका होमवर्क था, अभी भी है। क्वेश्चन 11 हम डिस्कस कर रहे हैं, 26 सबसे आखिर में डिस्कस करेंगे बस, ठीक है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।